आप सभी का स्वागत है। आज की जो प्रेस वार्ता है ये गांधीनगर पुलिस स्टेशन ने एक बहुत ही बढ़िया प्रोफेशनल इन्वेस्टिगेशन का मुजाहरा देते हुए जो 15 दिसंबर को जेके बैंक के यूनिवर्सिटी ब्रांच में 10 लाख रुपए की चोरी का वाकया हुआ था उस केस को सॉल्व किया हुआ है। उस केस में FIR नंबर 213/2020 अंडर सेक्शन 380 भारतीय दंड संहिता के खिलाफ FIR रजिस्टर हुई थी। इन्वेस्टिगेशन के दौरान CCTV फुटेज को एनालाइज करते हुए जो हमारी टेक्निकल टीम है उनकी सहायता से SHO पुलिस स्टेशन गांधीनगर गुरनाम सिंह, चौकी अफसर सुमित शर्मा, इनकी टीम ने बहुत ही बढ़िया काम करते हुए दो चोर जिनके खिलाफ पहले के भी कुछ चोरी के FIR से दर्ज है, जिनका नाम संजीव कुमार अलिया संजू और साहिल शर्मा जो कि कठुआ मेन बाज़ार के रहने वाले हैं, उनको वहां से कठुआ से गिरफ्तार कर लिया। उनकी गिरफ्तारी के बाद दौरान पूछताछ उन्होंने अपने जुर्म की कबूली दी और उनके डिस्क्लोजर पे 9,40,000 रुपये अभी तक बरामद किए गए हैं। इन दो जो सस्पेक्ट्स हैं जो चोरी के केस में मुलावस है उनकी पूछताछ के दौरान जम्मू डिस्ट्रिक्ट की भी 2-3 चोरियाँ और हमें सॉल्व हुई है और इसके अलावा बाकी जो हमारे आस पड़ोस के डिस्ट्रिक्ट से उनके अंदर भी जो चोरियाँ हुई है उनमें भी इनका शामिल होने का अंदेशा है। इसके साथ साथ एक और ऐसे ही वारदात के बारे में मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूँगा। जो पुलिस स्टेशन गंगियाल में FIR नंबर 137/2020 अगेन 380 धारा के तहत भारतीय दंड संहिता के तहत जो रजिस्टर हुआ था जिसमें हमने 1,95,000 रुपये की रिकवरी इस केस में अभी तक की है, जिसमें रविंदर सिंह नामी चोर को विजयपुर सांबा से गिरफ्तार किया है। इसके साथ साथ एक और चोरी का एक वाक्य आप लोगों से शेयर करना चाहूँगा। जनरली ये बात लोगों में होती है कि चोरी का वाक्य जब भी कहीं पेश आता है तो पुलिस स्टेशन में जाने के बाद 2-3 बार पुलिस स्टेशन जाना पड़ता है, तब जाके कहीं हमारा कंप्लेन लिया जाता है या रजिस्टर किया जाता है। जम्मू पुलिस ने प्रोएक्टिव काम करते हुए पुलिस पोस्ट कनाल में एक गाड़ी जिसकी चोरी होने की खबर गाड़ी के मालिक को हमारे यहाँ से, मतलब गाड़ी की जो रिकवरी है वो रिकवरी हमने कोई 24 घंटे के बाद चोरी के बाद रिकवरी की है, रिकवरी करके उसका मालिक को ट्रेस करके उनको इन्फॉर्म किया कि आपकी जो गाड़ी है वो हमने यहाँ पर रिकवर करी है, जिसको कि मैं कहूँगा एक चोरी के केसेस में प्रोएक्टिव पुलिसिंग का एक नमूना एक मिसाल बन के रह गया है। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा साथ ही साथ मैं लोगों से एक अपील एक विनती करना चाहता हूँ, जम्मू के लोगों से, अगर आप कहीं पे कहीं दूर जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, अपने घर को ताला रखे जा रहे हैं, तो आपका जो कीमती सामान है उसका खास ख्याल रखें, उसको बैंक के लॉकर्स में या सेफ जगह पे रखने की ज़रूर चेष्टा करें। साथ ही साथ अगर आप बहुत दिन के लिए बाहर जा रहे हैं तो आप नज़दीकी जो हमारी पुलिस चौकी है या नज़दीकी हमारा जो थाना है उस थाने को बता के जा सकते हैं, ताकि जो हमारी गश्त की टीम है, हमारे जो फ्लाइंग के स्क्वाड्स हैं या हमारी जो नाइट गश्त की पार्टी है, उनको यह पता रहे कि इस घर के ऊपर हमें खास ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आपके मोहल्ले में, आपके वार्ड में कोई संदिग्ध व्यक्ति घूमते हुए आपको नज़र आए, चाहे वो किसी भी रूप में कोई भी रूप लेके वहाँ पे आ सकता है, कोई बेचने के बहाने से, कोई कुछ करने के बहाने से, अगर ऐसा कोई व्यक्ति आपको लगे कि ये संदिग्ध है, उसकी जो मूवमेंट है, हालचाल है, वो संदिग्ध लग रही है, तो आप ज़रूर हमें 100 पे कॉल करके बता दें, ताकि उसकी हम बैकग्राउंड वेरिफिकेशन करें। हमने जम्मू डिस्ट्रिक्ट में जैसे पहली बार हम जब यहाँ पे मिले थे तब से लेके अभी तक बहुत सारी कुछ कुछ अच्छी चीज़ें चोरी के पर्टिकुलर केसेस को लेके करी है, जिसमें कि एक हमने थीफ डेटा शीट नाम से एक टेक्नोलॉजी का गूगल शीट का इस्तेमाल करके जो लेटेस्ट यहाँ पे चोर है, जो एक टिपिकल टाइप की कोई बाइक की चोरी में, कोई फोर व्हीलर की चोरी में या कोई घर की डकैती में मुलावस है, उन लोगों का एक डेटा बनाया हुआ है जिसका इस्तेमाल करके हमें बहुत सारी चोरियों को सॉल्व करने में उसका फ़ायदा मिल रहा है। साथ ही साथ जो लोग इस तरीके के केसेस में मुलावस पाए गए हैं उन लोगों का जो हमारे पास नाम वगैरह आता है, उन नामों को हम कंसर्न डिस्ट्रिक्ट से, चाहे वो जम्मू कश्मीर का हो, चाहे वो
किसी भी और भारत के स्टेट का हो, वहाँ के डिस्ट्रिक्ट से टाइप करके उनका बैकग्राउंड वेरीफाई करना हमने शुरू कर दिया है और ऐसे लोगों के ऊपर कड़ी से कड़ी नज़र रखी जा रही है। मैं आपके माध्यम से जम्मू के सभी लोगों को ये बताना चाहूँगा कि अगर आप हम चाहते हैं, अगर आप बहुत ज़्यादा चोरियों के केसेस को सॉल्व करना चाहते हैं, तो इसमें ज़रूरी है कि आपके पास जो भी हेल्प आप पुलिस को प्रोवाइड कर सकते हैं, पर्टिकुलरली जो हमारे शॉपकीपर्स हैं जिन्होंने अपने सीसीटीवी कैमरास लगाए हुए हैं, जब भी चोरी की वारदात होती है तो हमें उनकी फुटेज की ज़रूरत पड़ती है। अभी तक तकरीबन 99% केसेस में सभी लोगों ने हमें कोऑपरेट किया है और यही कोऑपरेशन हमें आगे भी उम्मीद है। जो मेन क्रॉसिंग्स हैं जहाँ पे बड़े शॉप्स हैं, उनसे और हम अपील करना चाहेंगे कि आप भी अपने लेवल पे सीसीटीवी कैमरास लगा दें और जब भी हमें ज़रूरत पड़ती है उसका फुटेज हमें मुहैया कराएं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा चोरी के केसेस को हम सॉल्व कर सकें। थैंक यू। अगर कोई सवाल है तो ले सकते। सर, आप काउंटिंग का ताल्लुक है, हम लोगों ने जम्मू में पॉलिटेक्निक कॉलेज में काउंटिंग होनी है, सभी कैंडिडेट्स, उनके पोलिंग एजेंट्स, मीडियाकर्मी, सिक्योरिटी पर्सनल, इन लोगों को अंदर अलाउ किया जाएगा। बाकी जो पोलिंग एजेंट के अलावा जो कार्यकर्ता है उनको काउंटिंग के जो कॉम्प्लेक्स है हमारा पॉलिटेक्निक कॉलेज, उनके अंदर उनको एंट्री नहीं है। जो हमारा होटल एशिया से लेके बिक्रम चौक तक का रोड है उसमें धारा 144 लगाई जाएगी, संदीप, और जो फ्लाईओवर के थ्रू ट्रैफिक को डाइवर्ट किया जाएगा। ट्रैफिक डाइवर्जन का जो प्लान है वो SSP ट्रैफिक साहब अभी बना रहे हैं, वो आपके साथ हम शेयर करेंगे। साथ ही साथ SSP सिक्योरिटी, ट्रैफिक और हम लोग मिलके 3-tier सिक्योरिटी अरेंजमेंट का हमने प्लान किया है। काउंटिंग हॉल्स के पास, कॉम्प्लेक्स में, कॉम्प्लेक्स के बाहर और जो मेन रोड है जहाँ पे कट ऑफ पॉइंट्स वगैरह है वहाँ तक हमने डिप्लॉयमेंट रखी है। संदीप, इसके साथ साथ कल क्योंकि विनर्स रनर्स अप दोनों जो यहाँ से जब वो वापस अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी की तरफ चलेंगे तो उसका जो रैली की शेप में अगर चलना चाहते हैं तो हमने उसका भी इंतज़ाम किया है। काउंटिंग सेंटर के अंदर ही डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हम वहाँ पे अवेलेबल होंगे और जिन जिनको उस तरीके की रैलीज करनी है तो उनके लिए परमिशन को प्रोसेस वहाँ पे करेंगे। जिनको परमिशन मिलेगी उन परमिशन के बेसिस पे ही रैलीज को अलाउ किया जाएगा और उनके साथ कैंडिडेट्स के साथ कोऑपरेशन का एक अपील हम ज़रूर करेंगे। इसके साथ साथ जहाँ जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंसी में रैलीज होगी तो वहाँ पे भी सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम हमने प्लान किए हुए हैं। हम सभी कंसर्न लोगों के साथ टच में हैं। लोगों से, खास करके जो वोटर्स हैं उन लोगों से विनती है, उन लोगों से अपील है कि जिस तरीके से आप लोगों ने सुरक्षित माहौल में फ्री और फेयर इलेक्शंस करने में हम सभी लोगों का साथ दिया है, पूरे प्रशासन का, जम्मू कश्मीर पुलिस का साथ दिया है, उसी तरीके का साथ कल जब काउंटिंग होगी और काउंटिंग के आगे एक दो दिन में भी आपसे अपेक्षित है, उसी तरीके का साथ आपसे मिलेगा, ये पूरी उम्मीद है हमें। थैंक यू।